बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फलाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन बवक्तन मिल सके। दोस्तों, जो इस वक्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेनफुल खबर है ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। वो पेनफुल इसलिए क्योंकि आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर अभी आर्टिकल जारी हुआ और इस आर्टिकल के मुताबिक जो है ओमान के अंदर दो मजीद डेथ्स हुई हैं। दो ये डेथ हुई है, दोनों बताया गया, दोनों खारजियों का इंतकाल हुआ कोरोना वायरस की वजह से। एक 57 साल के खारजी की डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से और एक 60 साल के खारजी की डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। और अब इस पत्र के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 6,794 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर 1,821 जो है रिकवरीज हैं और दो जो अभी अभी डेथ आई हैं, इनको मिला के ओमान के अंदर 34 पर्सन की जो है डेथ हो गई है। आप लोग देख सकते हैं एक ही दिन के अंदर 4 जो डेथ्स हो गई हैं ओमान के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात। और इस वजह से जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, जो ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उनकी तरफ से यही हदायत जारी हो रही है कि अपनी हिफाजत करें, अपने घरों में रहें, समाजी फासला लाजम रखें, गैदरिंग बिल्कुल ना करें, और बाहर निकलते तो मास्क लगा के ग्लव्स पहन के निकलें और अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के हवाले से कोरोना वायरस की। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स होंगी वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत, दुआओं की दरखास्त आप लोगों से बहुत ज्यादा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।